जय जगन्नाथ बंधुगण, आपण मानक ओडिया ऑडियो बुक को पुणि थरे स्वागत। बंधु आज एक कहानी टी शुणा, तो चलतु विलंब नक स्टार्ट करवा। यही कहानी टी जड़े सुनारी जी कि यंग एज्र मृत्युवरण करते मृत्यु पर केवल पत्नी और गोटे छोट पुओटे से छोट पुओटी दिने माँ डाकिले कहले, बाबूरे आम पाखे जहाँ टंका पैसा था जहाँ सेविंग था सब धीरे धीरे सरी आसला। आमको एवं बचापी टंका पैसा निहाती दरकार। पुणि तुम पढ़ापढ़ी खर्च अच्छी, घरर खर्च अच्छी, मो पाखे तुम बापा रखी जाइवा कि गहना अच्छे, तुम्हें जाओ ताकू जा मार्केट बिकिक आस। से पुओटीर माँ घर भितर को जा एक गहनार बैग टी आनी पुओटीर हाथ में दे कहले, जाओ यह बजार बिकिक आस। यह शुणी पुओटी कहला, माँ मु के दुकान को जी तुम्हें टी कहीदे भल होता। ता माँ कहले, पुओ तुम्हें सहर मझीरे जाओ, देख से गोटे गहनार दुकान टीए थ से आमर संपर्क जड़े, तुम्हें सेठिक जाओ जा तुम पिता मृत्युर कथा कह एवं आम पर चली समस्त असुविधार कथा कह। से निश्चित भाव आमको साय करेंगे, ठीक दाम गहना को किणी ने। पुओटी से दोकान को गला, से जा से दोकान को समस्त कथा कहला, समस्त असुविधा कथा कहला, ता बापा मृत्यु कथ कहला और से बैग टी देदेला। से दोकानी महाशय जनक समस्त कथा शुणिले एवं से गहना बैग टी नहीं दोकानी भितर को गले और किसी समय पर बाहरी आसी से बैग टी पुणी से पुओटी हाथ में दे कहले, बापा तुम्हें यही बैग टी को नहीं तुम्हें तुम माँ को फेर दि। पुओटी को लगला जे से गहना किणवा को मना करुंटी। पुणी से दोकानी व्यक्ति जनक कहले, ना ना बापा तुम्हें एत किसी भाव ना, यही बैग टी नहीं तुम माँ को दिवता कहजे। अंकल कहले, मार्केट एवं मंदा चली, गहनार ठीक दाम मिलना, जब मार्केट पुणी ठीक होते बिकिदे तुमको से भल दाम मिल। बाकी तुम पढ़ापढ़ी खर्च, पर खर्च, ए समस्त कथा चिंता करना, एवं तुम अंकल बंची। खाली तुम्हें सन्ध्या बेले स्कूल रू फेरला दुई रु तीन घंटा मो पाखे आसी मो कम टिके साहय कर दि। तुम्हें धीरे धीरे कम शिखिपार और मत भी जड़े साथी मिली एवं तुम समस्त खर्च मुदेवी, तुम्हें किसी चिंता कर ना। पुओटी यह शुणि बहुत खुशी हो गला एवं से घर को जाता माँ को कहला, माँ से अंकल बहुत भल लोक, से कहले गहना बैग टी संभा रखापी एवं मार्केट मंदा चली, जब ठीक हो भल दाम किणी ने आम समस्त खर्च देवे कहले। खाली सन्धार मु मोर स्कूल रू आसला दोकान को दुई रु तीन घंटा कम शिखापी जावाक कहले। ता माँ मध्य शुणि बहुत खुशी हो गले एवं भगवान को धन्यवाद जनइले। यहाँ धीरे धीरे बहुत वर्ष हो गला। पुओटी सेमती स्कूल को जाऊ थाए, स्कूल रू आसला गहना दोकान को दुई रु तीन घंटा पाई जाऊ थाए। दिने हठात से दोकानी व्यक्ति जनक से पुओ को से गहना बैग टी आने को कहले एवं कहले, एबे मार्केट ठीक हो गला, तुम्हें से गहना गुड़िक आण तुमको एवं ठीक दाम मिल। पुओटी घर को गला एवं समस्त कथा ता माँ को कहला। यह शुणी ता माँ ताकु से गहना बैग टी देले। पुओटी ताकु ने भीतर को गला, जेहेतु से एते वर्ष से गहना दुकान रे काम करिछि से समस्त प्रकार गहना चिन्ह पारे, तेणु से भाविला देखिया बापा की प्रकार गहना बिकुथिले। से बैग टी खोलिला एवं से जहा देखिला ताहा देखि ताकु पाद तळु माटी खसीगला परि लागिला, कारण से समस्त गहना नकली थिला। यह देखि से पुओटी भावुला जे अंकल आमको एत वर्ष धरी साहय कर दोकान को मु काली किपर जी कौ मुह नहीं जी। से निजक बहुत लज्जित अनुभव करुला। ता पर दिन से दोकान को खाली हाथ में गला। यह देखि से दोकानी व्यक्ति जनक पचारे, कौन है बापा तुम्हें से गहना बैग टी आनीन कहीं। यह शुणी से पुओटी ता अंकल गोड़ धरी प्रणाम करा पचारा, अंकल मुतबाला छोट थी आपण दोकान से ही गहना बैग टी आनी, आपण तो से देखि जापारे नकली बोली हेले आपण मत कहले कहीं। मु गत काली रात्रि से समस्त गहना देखिले एवं मु किछि बुझि पारिले निजे आपण काहेकि मते से दिन ही कहिदेले निजे एहा नकली बोली। एहा परे से दोकानी जनक कहले, बापा मु जदि तुमको सही दिन ही कहि देथांति जे एही गहना समस्त नकली बोली तेबे तुमे एवं तुम माँ भाविथांत जे अंकल आमर असुविधा बेले आमको ठकुछंति, से आम सह संपर्क रखिया को चाहू नांति, किंतु एबे जेतेबेले तुमे समस्त काम सिखि देइछ, तुमे समस्त प्रकार गहना को चिन्ह पारुछ, तेणु तुमे जानि पारिलो जे ताहा नकली बोली। तो बंधु यह एक छोट कहानी टीए किंतु आमको बहुत बड़ बड़ कथा समस्त सिखाए। से दोकानी जनक एत वर्ष धरी से पुओटी को साहय करे, से गहना को नकली बोली कहले कहीं से चाहूले से पुओ निजे से ही गहना को चिन्हवा शिखु, निजे से ही गहना को चिन्ह पारू।
ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ରାଗିଯାଉ। ଆମେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ବନ୍ଧୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ କଦାପି ଯେମିତି କୌଣସି କାରଣ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ଯେମିତି ନ ବନାଇବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଏହି କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା ଯେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଥା କଦାପି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଓ ବୁକ୍ର ଏକ ଷ୍ଟୋରି ପାର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।